तो प्यारे बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास नंबर फोर आ चुकी है जिसमें आज हमारा नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा लेकिन इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं इसमें आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है और यहां से क्वेश्चन फंसने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन वीडियो में डाले हुए हैं और एक एक पैटर्न को बड़ी बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा और यहां से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते कॉन्सेप्ट

हो जाएगा टेंशन आपको नहीं लेनी ठीक है कि नहीं तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भैया आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले हमें पढ़ना है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखना है ठीक है फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखना है और यहां से क्वेश्चन पैट में भी पूछा गया है ठीक है फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हमें करना है ठीक है कि नहीं अब कौन से फॉर्मुले जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो पांच फॉर्मूले ऐसे हैं जिनके आधार पर यहां क्वेश्चन बनता है बात आई कि नहीं फॉर्मूला नंबर वन फॉर्मूला नंबर वन पहला फॉर्मूला जो बच्चों वाला है शुरू से आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है जो होता है आपका ए स्क्वायर जो होता है आपका बी स्क्वायर जो होता है आपका टू ए बी ठीक है फॉर्मूला नंबर दो ये होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है होता है आपका तीन ठीक है ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है एक बार प्लस में आपका और एक बार होता है आपका माइनस में ठीक है बात बातें समझ में वार्मला नंबर चार जो होता है वो भी आपका काफी सिंपल है ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ से सवाल इन्हीं फॉर्मूले से बेस्ड बनेंगे इसके अलावा किसी फॉर्मूले से बेस्ड सवाल यहाँ नहीं बनने वाला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी बच्चा सवाल नंबर ठीक है फॉर्मूला नंबर पांच ए क्यू प्लस बी क्यू वाला ठीक है ए प्लस बी ठीक है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है यहां से पांच फॉर्मूलों से यहाँ सवाल बनने वाले हैं और हम धुआं उड़ा देंगे सवालों का क्या उड़ा देंगे धुआं उड़ा देंगे तो बताएंगे। बताएंगे चुटकी में आपको कैसे उड़ाना है देख लो भाई अगर मैं आपसे कहूं बेटा की यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिख रही है जीरो और जीरो पॉइंट वन तो मैं कहूँ की जीरो को अगर मैं को अगर ए मान लू और इसको मैं बी ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा यहाँ पे ए क्यू ऐसी तो लिखूंगा प्लस यहाँ लिख क्या लिखूंगा बी क्यू यही तो लिखूंगा भाई ठीक है कि नहीं और यहाँ लिखूंगा मैं इसको ए स्क्वायर और यहाँ लिखूंगा इसको मैं बी स्क्वायर और यहाँ लिखूंगा मैं इसको ए इंटू बी माइनस में लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है कंडीशन नंबर आगे पहुंचते हैं तो हमें यह दिख जाएगा कि हम जो करने वाले हैं कि भैया ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला ओपन तो फार्मूला क्या था ए प्लस बी ठीक है और क्या था आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो मैंने लिखाया था ये आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन है तो एक ही ब्रैकेट में हमारे और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ठीक है अगर आपके माइंड में फॉर्मूला हुआ आपको पता है फॉर्मूला ये है तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी इस सवाल को उड़ाने में आप इसको उड़ा देंगे तुरंत और ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी आ जाएगा आपका ए प्लस भी ठीक है तो ए की जगह जो वैल्यू है वो कितनी है जीरो पॉइंट एट सेवन और इसकी जगह जो जीरो पॉइंट वन थ्री ठीक है इसको ऐड करेंगे तो वन पॉइंट जीरो जीरो आ जाएगा आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है लेकिन बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर फॉर्मूला याद होता तो ये आपको करने की जरूरत नहीं होती आपको यहीं से पता चल जाता कि ये ए क्यू है ये बी क्यू है प्लस का ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो फॉर्मूले के अंदर ये कंडीशन आ रही है तो ये क्रॉस हो रहा होगा केवल प्लस आपको करना था बात आई कि नि समय आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है टेंशन नहीं लेनी लेकिन वो चाहे तो इस सवाल को कितना घुमा सकता है वो अगले सवाल के साथ हम समझेंगे ठीक है ऐसा सवाल आने की संभावना है कर लीजिएगा भाई दूसरे सवाल को देखें दूसरे सवाल को देखें तो आप कहेंगे सर अगर मैंने इसको ए मान लिया ठीक है कि अगर मैं ने इसको ए मान लिया थोड़ा सा मैं स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि समय कम है आपके पास चालीस दिन आपके आपके पास है और चालीस दिन में मैथ भी कंप्लीट करना और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने तो मैं तो मैथ में इतना तो टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाह रहा आपका क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे थर्टी सेवन आएंगे ठीक है अभी कोई कन्फर्म नहीं है और दो चार दिन में मैं आपको कन्फर्म बता भी दूंगा कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं फिलहाल में हम जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ये गारंटी है हमारी ठीक है देखो यहाँ से जीरो पॉइंट सिक्स सेवन को अगर मैं ए मान लू तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको ए मान तो इसको ए भी मानना पड़ेगा ये एक यू की कंडीशन बनेगी लेकिन यहां से एक यू की कंडीशन कैसे बनेगी यहां से एक यू की कंडीशन ऐसे बनेगी कि मैं अगर इसको कहूं कि ये जीरो पॉइंट सिक्स सेवन का होल क्यू है क्योंकि तो तीन बार दे रखा है और अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो कंडीशन है वो जीरो पॉइंट वन का होल क्यू है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है ओपन करेंगे तो आपका यही तो आता तो उसने इसको मिक्स करके दे दिया मतलब सॉल्व करके आपको दे दिया ठीक है इतना दे सकता था अब फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का है नीचे सारी कंडीशन ए स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर की कंडीशन बनेगी मतलब जीरो पॉइंट वन का होल स्क्वायर है ये इसको ऐसे लिख दे दे ये जीरो पॉइंट वन का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो पॉइंट सिक्स सेवन आ जाता आपका बात आई कि नहीं समझ में ठीक है तो यहाँ से ये यह कंडीशन सेम मैच हो रही है इसका मतलब केवल आपको माइनस करना आपको माइनस क्या करना है जीरो पॉइंट सिक्स सेवन में से आपको माइनस करना है जीरो पॉइंट वन केवल इतना माइनस आपको करना है ठीक है तो ये सेवन आ जाएगा ये आपका फाइव आ जाएगा जीरो पॉइंट आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव सेवन आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है ठीक है सवाल को इतना पेचीदा कर सकता है केवल इस तरीके से घुमा सकता है आपके लिए ठीक है और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं हमारे होते हुए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दूसरा समझिए ध्यान से देखो ये है मैंने आपको अभी जस्ट बताया था ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि ये अगर पूरा मैं ए मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ये मैं पूरा बी मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है ठीक है कि नहीं अब मैं आपसे बेटा अगर ये कहूँ कि इसको जोड़ लूँ मैं अंदर ही अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको घटा लूँगा अंदर ही अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपका एंसर बिल्कुल सही बात है फिर भी हमारा सही हो जाएगा कैसे समझते हैं समझते कैसे अगर मैंने इसको ए स्क्वायर माना पूरे को ठीक है और इसको मैंने माना बी स्क्वायर पूरा मान लो ठीक है कोई टेंशन नहीं है तो ये एक बार प्लस में आएंगे और एक बार माइनस में एक बार प्लस में कैसे आएंगे कि भैया सेवन जीरो एट प्लस सिक्स वन नाइन तो है ये प्लस में कहा से आएगा यहां से सेवन जीरो एट माइनस सिक्स वन नाइन क्योंकि यहां से प्लस में आ रहा था ये एक ब्रैकेट बंद मतलब ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है आपका बी है बात आएगी नहीं समझ में दूसरी कंडीशन को देखें तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा पहला जी सेवन जीरो एट होगा प्लस सिक्स वन नाइन होगा माइनस करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाइज सेवन जीरो एट हो जाएगा प्लस सिक्स वन नाइन हो जाएगा ठीक है क्योंकि माइनस लगा तो ब्रैकेट चेंज होगा ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है बात कि नहीं समझ में देखो ध्यान से समझ लेना घबराने की आपको जरूरत नहीं है हमारे होते हुए ये ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया नीचे आपका जो सेम है वो आपका सेम रहेगा घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कैसे सेवन जीरो एट इंटू सिक्स वन नाइन यहाँ से देखिए ये क्रॉस हो जाएगा प्लस माइनस का है तो ये सेवन जीरो एट इंटू टू की कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगी ठीक है ब्रैकेट में बात आएगी नहीं समझ में यहाँ से यहाँ से देखें तो ये क्रॉस हो जाएगा ये पे सिक्स वन नाइन की कंडीशन बनेगी इंटू टू में क्यों बनेगी टू में टू में इसलिए बनेगी मेरे भाई क्योंकि यहां पर दो बार है तो दो जोड़ेंगे तब भी बात वही पड़ेगी टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी भाई अगर मैंने कहा पैंसठ प्लस पैंसठ कीजिए और मैं कहूँ पैंसठ में दो का मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस करने की जरूरत नहीं है आपको ठीक है नहीं जीरो सेवन जीरो एट और सिक्स वन में ठीक है ये से ये जाएगा इससे ये जाएगा सब मल्टीप्लाई में ना तो दो का दो में गुणा हो जाएगा चार आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों ठीक है इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसमें बहुत टाइप के सवाल आपको पढ़ने के लिए देखने वाले हैं मैंने कहा है थोड़ी सी वीडियो लेथ है लेकिन आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा मजा देगी आप जब पेपर दे के आएंगे तो कहेंगे कि हरीश सर ने हमें कुछ सवाल कराए थे और उनमें से हमारे सवाल फंसे हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होगा ये हमारी गारंटी हंड्रेड आपको बेनिफिट होगा ठीक है देखो सवाल ऐसा आ जाए तो ऐसे सवाल आने की संभावना है तो आपको घबराना नहीं है सवाल कैसा है थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसा ये सवाल जो कह रहा है इस टाइप के मैं दो सवाल डाले हुए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है मैं सवाल इतने दे देता हूँ आपको कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करते समय टेंशन ना हो क्या आपको करना है? थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं कि सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हमसे ठीक है थोड़ा सा मैं अपने चेहरे को थोड़ा छोटा कर लेता हूं जिससे सवाल आपको आगे दिखते रहें ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है आपके लिए सुविधा जरूरी है ठीक है देखो ध्यान से समझ लीजिएगा करना आपको क्वेश्चन देखिए किसी छात्र को किसी संख्या का एक बट्टे पंद्रह से का कहा गया परंतु उसने एक बट्टे तीन का दिया जिससे उत्तर पहले की तुलना में सोलह मतलब किसी से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसको गुणा एक बट्टे तीन से कर दिया ठीक है मैं स्प्रिंट है कोई दिक्कत नहीं है डिवाइडेड ठीक है नंबर डिवाइडेड बाईन डिवाइडेड बाई अब देखो आपको करना क्या यहाँ देखना है ये केवल पंद्रह और नीचे कितना यहाँ तीन तो आप संख्या मानेंगे इन दोनों का एल्शियम संख्या तीन और पंद्रह एल्शियम कितना आएगा पंद्रह आएगा ठीक है अब संख्या हमारे पास पंद्रह गई अब एक बार तो कहा गया इस संख्या का कितना करना एक बट्टे पंद्रह तो आप कहेंगे सर इसका एक बट्टे पंद्रह जो है एक ही आएगा मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है आप कहेंगे सर इसका एक बट्टे तीन किया जाए तो आपको पता है इसका एक बट्टे तीन कितना आएगा पाँच आएगा अब इन दोनों का अंतर है कितना आप कहेंगे सर चार है चार जो है वो कितने के बराबर दे रखा है सोलह के बराबर दे रखा है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार आ जाएगी बात कि नहीं समझ में चार आ गया आपसे पूछेगी ये संख्या संख्या कितनी थी आपकी पंद्रह मानी थी आपने तो आपका आंसर आ जाएगा साठ घबराना है ही नहीं बिल्कुल ठीक। ये अधिक था ना अधिक सोलह अधिक तो यहां से कितना अधिक आ रहा था चार अधिक सिंपल सी बात है, नहीं था। कितनी जल्दी हो सवाल? सेम सवाल है थोड़ी सी लैंग्वेज बदल जाती है कंफ्यूज हो जाता है देखिए एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में गई संख्या का पांच पट्टी सोलह प्राप्त करना था गलती से उसने गई संख्या का पांच पट्टी छह ज्ञात कर लिया यदि उसका उत्तर सही उत्तर से पचास अधिक है तो अविष्ट संख्या ज्ञात कीजिए पांच बट्टे सोलह सोलह नीचे है और यहां कितना ले सोले और का मेरे भाई ध्यान से, ठीक है? पहले इस संख्या का करना है पांच बट्टे सोलह क्या करना है पांच बट्टे सोलह अगर मैंने कहा इसका पांच बट्टे सोलह कर दीजिए तो आप कहेंगे सर सोलह से कटेगा तीन बार तीन पंजे हो जाएगा पंद्रह ठीक है नहीं फिर मैंने कहा कि इसका पांच पट्टी छ कीजिए तो आप कहेंगे सर पाँच बट्टे मुझे करना है तो छह से कितना कटेगा ये ये आठ बार आट पंजी से हो जाएगा ठीक है को ये से है से मैं इससे कितना अधिक आप कहेंगे सर पच्चीस अधिक है वहां से वो कितना अधिक बता रहा है पचास अधिक बता रहा है ठीक है तो ये पचास अधिक सेम सवाल है ना तो एक रेशियो की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आपकी दो बात आएगी नहीं समझ आपसे पूछा क्या गया संख्या संख्या कितनी थी मानी तो आपने 48 48 का मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नाइनटी सिक्स जो कि परफेक्ट तरीके से बिल्कुल ठीक है बात आई कि कितनी समझना तीन सवाल वो दो सवाल ये अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ऐसे सवाल है जो मैं लिखे नहीं उनका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा इसलिए मैंने कहा था कि क्लास लाइन थी लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट मजा आ जाएगा ठीक है देखो अगर आपको लग रहा हो कि हमें देखने में क्लास को टाइम लग रहा है या हमें पढ़ने में समय लग रहा है तो भाई ये समय मत देखिए समय नहीं देखिए भाई पढ़ते समय समय नहीं देखना आप क्यों क्योंकि कार्ड है कि समय कम रह गया है पेपर के लिए आप जितना उसके उतनी तैयारी करें एक घंटे दो घंटे कम नींद लें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन मेहनत करें ठीक है ध्यान सा पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अगर आप भूल जाए तो सवाल को करना कैसे है फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कि जल्दी कैसे करना ठीक है देखो दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग दस है अठारह घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं संख्या बताइए ठीक है से समझना देखिए पहले दो अंकों की संख्या देखो दो अंकों की जो संख्या होती है संख्या जो होती है जैसे आपने बारह ले ली या बयालीस ले ली तो ये एक्स होगा और ये वाई होगा आपका ठीक है तो मैं अगर आपसे कहूं दो अंकों की संख्या जो है वो आपकी वाई एक्स है या एक्स वाई है चाहे आप इसको एक्स मान लो या आप इसको वाई मान लो बात आई कि नहीं समझ में आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है ठीक है अंकों का योग धस दे रखा है चीजों को समझना देखिए दूसरी अगर संख्या को पुट किया जाए सब तो बुझे जी आपको इसने x माना तो यहां से जैसे 42 है आपका इसको समझ लीजिए बारीकी से ये दो होगा और ये होगा प्लेस वैल्यू के आधार पर 40 दोनों को जोड़ेंगे तभी तो बात आई कि नहीं समझ में कोई डाउट तो नहीं है तो अगर मैं कहूं कि किसी भी संख्या को वंश जो होता है 40 का मतलब क्या होता है यहाँ चार गुणा कितना दस ये भी आप जानते हैं ठीक है तो ये संख्या जो है वो वाई का काम कर रही है ये संख्या जो है वो एक्स का, का काम कर रही है कर रही कि नहीं कर रही है तो अगर मैं कहूं कि दो अंकों की संख्या आपकी वाई और एक्स है तो इकाई अंक ये हो जाएगा यूनिट प्लेस और ढाई अंक ये हो जाएगा टेंस प्लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपसे बिल्कुल सही बात है और मैं कहूं इन दोनों अंकों का योग अंकों का योग अंकों का योग मतलब ये ठीक है अंकों का योग मतलब एक्स प्लस वाई जो है वो या वाई प्लस एक्स ले कितना दे रखा है दस दे रखा है लेकिन संख्या कैसे बनती है हमेशा यह ध्यान रखिएगा संख्या कैसे बनती है संख्या बनती है ऐसे कि x प्लस दस वाई ये संख्या बन गई ऐसे ठीक है संख्या हो गई ये ये संख्या हो गई ये संख्या हो गई ये संख्या के अंकों का योग हो गया आप सोचे कि दस जोड़ना नहीं जोड़ना यहां तो संख्या लिखी जा रही है ऐसे बात है कि बयालीस को कैसे लिखा जाता है बयालीस को लिखा जाता है चार गुणा दस प्लस का कितना लिखा जाता है दो इस तरीके से लिखा जाता कॉन्सेप्ट बता रहा हूं केवल सब्र रखिएगा ट्रिक बताऊंगा जल्दी कैसे करना ठीक है ध्यान से समझ लीजिए भाई मैं कहता हूं थोड़ा सब्र करके समझ लीजिए सारी चीज आपको समझ उसने कहा है कि इसमें से अठारह घटा दिया जाता है संख्या में से संख्या में से अगर अठारह घटा दिया जाए तो संख्या को अंक पलट जाते असंख्या के अंक मतलब यहां वाई आ जाएगा और यहां एक्स आ जाएगा घटा देते कितना घटाया गया इसमें से अठारह तो इनका जो अंतर आएगा इनका जो अंतर आएगा दस में से आई गया तो नो वाई बचा और यहां से ये गया तो आपका कितना आ जाएगा नो एक्स घटा देते हैं अठारह आ जाता है, जाता है। नौ कॉमन ले लूं तो आप कहेंगे सर वाई माइनस एक्स बराबर जो आएगा वो आपका आगे अठारह मतलब नौ से कटेगा दो बार तो वाई माइनस एक्स बराबर कितना है आपका दो और एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना है दस तो अगर मैं कहूं कि से एक्स गया तो दो वाई बराबर कितना आ गया आपका बारह ठीक है दो से कितना छः तो वाई की वैल्यू आ गई छः वाई की वैल्यू छः आ गई तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार तो एक्स की वैल्यू चार और वाई की वैल्यू छः चौंसठ आ गया कि नहीं आ गया आंसर आपका आ गया आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक लेकिन बेटा इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इसको पैटर्न को समझें ये मैंने समझा इसलिए दिया कि अगर आप भूल जाए तो कर तो आए कम से कम छोड़ के तो तुनाएंगे देखो आपको केवल ऑप्शन उठाना है पहली चीज तो ये कि कोई भी संख्या है कोई भी संख्या ले जैसे मैंने पच्चीस ले ली पच्चीस को आप बदल के ले लीजिए बामन इनका अंतर निकालिए कितना सात और कितना दो सत्ताईस मतलब इनका जो अंतर होता है ना पर से नौ से विभाजित जरूर होता है इसलिए इसने अठारह दे रखा है ना अंतर वो भी घटा दिए जो अठारह घटा दिए वो भी तो अंतर यह घटाना का मतलब अंतर हो गया ये भी नौ से विभाजित होगा आपको कुछ नहीं करना छियालीस है छियालीस का चौसठ कर दीजिए ठीक है घटा दिया गया घटा घटाया नहीं अठारह घटा दो इसमें से अठारह घटा दो इसमें से अठारह घटाओ अठारह घटाएंगे तो कितना बच्चा छियालीस अंक पलट के कितने पलट के और किसी के अठारह घटाने से अंक नहीं पलट रहे होंगे आपके लिए सबसे बेस्ट है जैसे मैंने इसमें से अठारह घटा दी होता भाई छियालीस में से छियालीस में अठारह का घटा था तो कितना सोलह आठ का आठ और यहाँ से कितना यहाँ से तीन और दो अट्ठाईस क्या अंक पलटे नहीं पलटे चौंसठ में अठारह गया अंक पलट गए चौंसठ का छियालीस हो गया तो ये ऑप्शन सही है अब अगले सवाल को हम ऑप्शन से उड़ाएंगे ठीक है देखो सेम सवाल इसलिए रखा है कि मैं एक में कॉन्सेप्ट समझा सकूँ एक को उड़वा सकूँ दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल फल सोलह है पहली कंडीशन जब अठारह जोड़ दिया जाता है तो अंक पलट जाते हैं अंकों का योग सोलह है ठीक है ये दोनों जुड़ के सोलह हो रहा है नहीं हो रहा ये दोनों जुड़ के सोलह हो रहा है नहीं हो रहा ये दोनों जुड़ के सोलह हो रहा है हो रहा है कहानी यही खत्म है ठीक है कि नहीं सोलह अठारह जोड़ दे दो अठारह जोड़ दो देखो ये कितना हो गया सात ये कितना हो गया नौ सतानवे हो गया ठीक है आगे यहीं से जरूरत ही नहीं थी आपको ठीक है सवाल नंबर नेक्स्ट देखो ऐसे सवाल अगर आ जाए तो घबराना नहीं है टेंशन नहीं लेनी केवल कंडीशन को समझना है ठीक है कंडीशन को कंडीशन क्या है कंडीशन यह है बेटा कि सवाल में वो हमसे ये कह रहा है कि यदि दो लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर एक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी सिंपल सी बात यदि दो लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर दो लगातार धनात्मक संख्या है तो एक होती है आपकी एक्स और एक होती है एक्स प्लस वन वर्गों का अंतर तो बड़ी ये है इसमें से एक घटानी पड़ेगी वर्गों का अंतर तो वर्ग निकालें और इनका देखें अंतर ठीक है कितना दे रखा एक सौ सड़सठ बात आएगी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब वन प्लस टू ए भी टू टुए एक्स हो जाएगा बात आएगी नहीं समझ में माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर एक सौ सड़सठ आपको पता है ये क्रॉस होगा तो मैं कहूंगा आपसे कि दो एक्स बराबर कितना आएगा एक सौ छियासठ आपका आंसर बिल्कुल सी बात दो से काटेंगे तो मैं क्या करूंगा ये आ जाएगा आपका तिरासी ठीक है और मैं कहूँ छोटी संख्या कौन सी है तो इससे एक्स की वैल्यू ये तो तिरासी और ये चौरासी बनेंगे ठीक है बात आई कि नहीं समझ में तो छोटी संख्या कौन सी है तेरासी तिरासी आपका आंसर हो जाएगा ऐसा मत सोचना कि सवाल में ये देखा तुरंत इसी को लगा दो आंकड़े अपर्याप्त सवाल को करना भी तो है इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना कि सवाल नहीं है फिर भी आंसर गलत लगा दिया देखो अगला सवाल ऐसे सवाल आने की संभावना है इसमें से कौन सा सवाल आया है वो मैं अभी आपको बता भी दूंगा ठीक है घबराना नहीं है बिल्कुल भी नहीं घबराना भाई ठीक है देखो दो संख्याओं के वर्गों का योग तीन है यदि एक संख्या पाँच है तो दूसरी संख्या वर्गों का योग वर्गों का योग दो संख्याओं के वर्गों का योग तो अगर मैं कहूं कि दो संख्या x है और एक y है ठीक है इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के वर्गों का योग कितना है तीन है तो आपको घबराना नहीं है आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है ठीक है वर्गों का योग छियासी है एक संख्या पाँच है तो मैं कोई सी पाँच मान लू सबके ये मैंने पाँच मान ली पाँच का स्क्वायर किया मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर वही कितना तीन सौ छियासी किया मैंने ठीक है पच्चीस पच्चीस को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर तीन सौ इकसठ अब वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे उन्नीस क्योंकि उन्नीस तीन सौ इकसठ किसका उन्नीस का उन्नीस का है तो दूसरी संख्या आपकी उन्नीस आ गई ऑप्शन नंबर बी ठीक है ठीक है सवाल नंबर नेक्स्ट देख लीजिए सवाल नंबर नेक्स्ट ठीक है ऐसे ही सवाल आएंगे घबराएं ज़रूरत नहीं है यूपी पुलिस में आप सोचेंगे नंबर सिस्टम को कोई ज़्यादा एस एस यू सवाल देगा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है घबराना नहीं है बीस सवाल क्या सैंतीस सवाल है वो बाद की बात है लेकिन अभी कंफर्म हो जाएगा आपको ठीक है तो आप फिलहाल में प्रैक्टिस की उस पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए कि की सवाल कितने आ रहे हैं लेकिन मैं कहूँगा कि या तो बीस आएंगे या पैंतीस आएंगे इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आ रहा तो दो पे गाड़ी अटकी हुई है अभी दो पे गाड़ी है तो इसका अपने कॉन्सन्ट्रेट रखिए कोई यूट्यूबर कितने बता रहा है कोई यूट्यूबर कन्फर्म नहीं है दो चार दिन में आपको कन्फर्म हो जाएगा लेकिन आप फिलहाल में तैयारी पर ध्यान दें ये मैं सोची कि हमारे कितने सवाल आ रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं टेंशन होगी तो जो रीजनिंग का पोर्शन है वो मैथ में आ जाएगा बाकी जीएस और जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं वो तो आपको उतना ही पढ़ना है ठीक है कि नहीं देखो दो संख्याओं का गुणनफल तिरानवे पिछहत्तर है ठीक है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल पंद्रह आ जाता दो संख्याएं तो दो संख्याएं जो मानू मैं दो नंबर अगर मैं लूं तो मैं क्या लूंगा एक्स और वाई गुणनफल इनका ये कह रहा है इनका गुणनफल इनका गुणनफल इनका गुणनफल है कितना इनका गुणनफल है आपका नाइन थ्री सेवन फाइव और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं कि दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्जाम आपका हुआ था उसमें ऐसा सवाल पूछा गया है संख्या लगती घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है बात आएगी नहीं समझ में देख लो उसने कहा एक संख्या में दूसरी का भाग अब ये बड़ी मान लो या आप छोटी मान लो तो बड़ी छोटी बड़ी संख्या में अगर मैं छोटी संख्या का भाग दूं, तो कितना आ रहा है भाग आपका पंद्रह आ रहा है इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी पंद्रह वाई आ जाएगी और मैं यहाँ रख दूं एक्स की वैल्यू तो पंद्रह वाई का पंद्रह वाई और ये वाई का वाई और ये कितना नाइन थ्री सेवन फाइव हो गया तो ये आ जाएगा पंद्रह से काट दो पहले इसको ठीक है पंद्रह छक्के नब्बे पंद्रह दूनी तीस और पन्ना पन्ना पिछहत्तर ठीक है छः सौ पच्चीस मतलब वाई स्क्वायर की कंडीशन छः सौ पच्चीस आ जाएगी तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी पच्चीस अब इसने कहा संख्याओं का योग होगा संख्याओं का योग होगा तो पहली संख्या आ गई दूसरी कितनी है इसमें दे देंगे दे दे। दे दे गुणा कर देंगे तो पच्चीस से कम पच्चीस ठीक है या, 25, 35, 25, 35, 25, 25. या पन्ना पन्ना पचहत्तर पच्चीस हाँ सैतीस पंद्रह सैंतीस तीन सौ पचहत्तर आ जाएगा दूसरी संख्या इनका योग पूछा है जोड़ दीजिए पच्चीस को ठीक है जीरो जीरो और यहाँ पे चार चार सौ आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो ये सवाल लैंग्वेज वाले हमारे खत्म हो चुके हैं अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन के आधार पर जो सवाल बनाए गए हैं वो कौन से पूछे जाएंगे बात कि नहीं समझ में और ये हमें कंप्लीट करना ही था दूसरा भिन्न के आधार पर सवाल क्या बनेंगे तो मैं पहले भिन्न के आधार पर आपको बता देता हूँ सिंपल भिन्न के आधार पर जो लैंग्वेज के सवाल बनते हैं पहली क्लास में भी हमने भिन्न के आधार पर सवाल देखे थे लेकिन लैंग्वेज वाले कौन से सवाल बनते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते ठीक है तो फ्रैक्शन के आधार पर भिन्न के आधार पर जो लैंग्वेज वाले सवाल बनते हैं वो ऐसे बनता है मैं सवाल यहां पे लिखता हूँ थोड़ा सा लिखता हुआ जलिएगा साथ ही साथ कि यदि ब्लैक से लिखता हूं ठीक है यदि किसी भिन्न के अंश में बीस परसेंट की वृद्धि वृद्धि और हर में ठीक है पच्चीस परसेंट की कमी की जाती है जाती है तो भिन्न आठ वट्टे पंद्रह हो जाते हैं तो भिन्न आठ वट्टे पंद्रह थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पर मुझे चेक करना होता है कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सही दिख रहा है भाई मजा आ गया ठीक है देख लीजिए ध्यान से समझना है आपको करना कुछ नहीं है ठीक है कि नहीं देखो यदि किसी भिन्न के अंश में बीस परसेंट की वृद्धि हो जाए और हर में पच्चीस परसेंट अंश और हर क्या होता है देखिए अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे ठीक है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ठीक है अंश में तो मैं कहूँ अंश में और हर में केवल ये लिख लीजिए अंश में वृद्धि बीस परसेंट तो एक सौ बीस कर दीजिए हर में कमी कितनी पच्चीस परसेंट तो पचहत्तर कर दीजिए भिन्न हो कितना जाता है आठ बट्टे पंद्रह आठ बट्टे पंद्रह कर दीजिए ठीक है ध्यान से समझ लीजिएगा ऐसे सवाल में कुछ नहीं आप सोच रहे हो घबरा रहे हो तो इससे ये पंद्रह बार कटेगा ठीक है और इससे ये पाँच बार कटेगा तो ये चला जाएगा ऊपर ये आ जाएगा नीचे तो अंश और हर की कंडीशन ये पाँच बट्टी कितना आ जाएगा पंद्रह मतलब एक बट्टी कितना आ जाएगा तीन आपका आंसर ऐसे सवाल बनते हैं ठीक है कि नहीं चीजों को समझिएगा बात आए कि नहीं समझ एक सवाल बिना परसेंट के भी बनता है तो घबराने की जरूरत नहीं है मैं अभी बता देता हूं घबराना नहीं यार हर कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं आपको हर कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं आप सोचें कि कोई कॉन्सेप्ट रहना जाए ठीक है रहेगा नहीं यदि कोई भिन्न चार बट्टे पांच है यदि उस भिन्न में भिन्न में अंश में एक्स जोड़ा गया तथा हर में एक्स घटाया गया कोई संख्या जोड़ेगी कोई संख्या घटाएगी ठीक तो भिन्न सात वे चार हो जाती हो तब आपको करना कैसे सिंपल पैटर्न आपका वही रहेगा ऐसा आ जाए तो अंश ठीक है अंश और हर दे रखा पहले तो संख्या आपको दे रखी है सर इसमें जोड़ा जाता है एक्स और इसमें घटाया जाता है एक्स ठीक है तो भिन्न हो कितनी जाती है सात बटे कितनी हो जाती है चार तो आपको केवल सॉल्व करना है इसको एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको चार चक सोलह हो जाएगा प्लस चार एक्स हो जाएगा ठीक है और यहाँ से ये हो जाएगा सात पंजे पैंतीस और ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ से सात एक्स ठीक है ये इधर आएगा कितना हो जाएगा आपका ग्यारह एक्स और ये इधर जाएगा तो पैंतीस में सोलह गया तो आपका आ जाएगा बेटा उन्नीस उन्नीस आ जाएगा ठीक है कि नहीं तो x बराबर 19 बट्टे कितना आ जाएगा ग्यारह आ जाएगा एक तो भिन्न वाले सवाल ऐसे बनते हैं एक परसेंटेज में बनते हैं मैंने दोनों बता दिए अब मुझे नंबर सिस्टम खत्म करना है आज अब अगले जो भिन्न वाले सवाल बनते हैं उनको जो हम बोलेंगे संतत भिन्न हम बोलेंगे उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा संतत्व इसको सिंप्लीफिकेशन में भी रखा जाता है ठीक है कंटिन्यूटी फ्रैक्शन बोलते हैं इनको फ्रैक्शन कैसे होते हैं समझ लीजिए ऐसे होते हैं भाई मेरे ऐसे होते हैं कि संतत भिन्न का मतलब है भिन्न में फिर अगली भिन्न जोड़ना हर में अंश की जगह हर में अगला भिन्न जोड़ना जैसे आपने सवाल देखा होगा इस तरीके से आप खुश हो गए होंगे सर देखा है हमने लेकिन इसको जल्दी कैसे करना वो थोड़ा सा समझ लेते हैं देखो सबसे पहला काम सबसे पहला काम है पहले प्लस वाले देख रहे हैं फिर माइनस वाले फिर नंबर आएगा उसको देखेंगे सिंपल सा घबराना ही नहीं ठीक है कि नहीं भाई मैं आपको जो करा रहा हूँ उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है अब देखो नंबर में कितने टाइप के सवाल हमने कर इससे बाहर जाएगा कुछ नहीं आएगा बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझा दी इससे बाहर जाएगा कुछ नहीं आएगा फै क्लासें हो गई अब हम रेशियो की क्लासेस दो लाएंगे रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है दो क्लासों में हमें कंप्लीट कराना पड़ेगा एक एक कॉन्सेप्टों हमें समझना है रेशियो का और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं उसको एक में कंप्लीट कराऊँ क्यों क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कुछ रहे ना भाई इतना करा दू इतना करा दूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा आप सोचेंगे हम इतना कैसे करें यार एक एक घंटे की क्लास होंगी मुझका मुझ कोई क्लास सवा घंटे की हो जाएगी इतने में कंप्लीट कर खींच देता हूँ मैं टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करता ठीक बच्चों का आपको करना क्या है सवाल में ये है केवल इतना कि लास्ट में कितना है तीन और चार है आप तीन और चार लिख लेंगे आप कहेंगे सर तो ग्यारह और सात अठारह अठारह हो गया अब यहां पे लिख देना आपको अठारह ग्यारह आपका आंसर आ जाए मिक्सन ग्यारह से ही सात बटे ग्यारह आ जाएगा बात एक ही ठीक है बात आएगी नहीं समझ में एक और देख लेते हैं सवाल सेम सपोज कीजिए इस तरीके से आ गया साइड में ऊपर देख लीजिए मेरे वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस थ्री अपॉन फाइव ठीक है मैंने कहा था आपको थ्री और फाइव लिखना है केवल पहले आप कहेंगे सर लिख लिया ठीक है थ्री और फाइव लिख दिया अब आपको क्या करना है यहाँ देखना है एक दो तीन चार हैं तो आपको एक दो तीन चार लिख देना है ठीक है जोड़ते जाना बच्चों की तरह नर्सरी क्लास के बच्चे जैसे जोड़ते हैं वैसे पांच और तीन आठ हो गया आठ और पांच तेरह हो गया तेरह और आठ इक्कीस हो गया इक्कीस और तेरह आपका बत्तीस हो गया ठीक है ये हो जाएगा बत्तीस और इक्कीस आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखते हैं माइनस में आ जाए तो आपको क्या करना माइनस में भी कन्फ्यूजन नहीं लेनी ठीक है माइनस में कन्फ्यूजन नहीं लेनी फिर सवाल में और कुछ आ जाए तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं लेनी जैसे सपोज किया वन माइनस वन अपॉन वन के अलावा कुछ आ जाएगा वो हम बताएंगे क्या करना है वन माइनस वन अपॉन वन माइनस ठीक है वन अपॉन फाइव ठीक है समझ लीजिएगा आपको करना क्या प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो आपको बताया था कि आपको वन और फाइव लिखना है ठीक? एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है माइनस करते हुए चलना है पांच में से एक गया तो चार चार में से पांच घटाएंगे तो माइनस का एक माइनस एक में से चार जाएगा तो माइनस के पाँच हो जाएंगे ठीक है घटाएंगे देखो माइनस एक में से माइनस चार घटाएंगे तो ठीक है पिछले वाले को माइनस का करते जाइए पिछले वाले को घटाना है तो पिछले वाले को माइनस का चिन्ह चेंज कर देना और जोड़ देना चिन्ह चेंज किया माइनस का प्लस हो गया प्लस के एक चार पाँच में माइनस तो का चार बचा ठीक है तो ये माइनस के चार बट्टे कितना माइनस का पाँच माइनस से माइनस उड़ा चार बट्टे पाँच आ गया आपका ठीक है घबराना ही नहीं है बिल्कुल एक और सवाल देख लेते हैं माइनस वाला आप कहेंगे सर बिल्कुल टेंशन नहीं है यार बिल्कुल टेंशन हो कैसे जाएगी हमसे पढ़ के टेंशन हो जाए देखो वन माइनस वन अपौन वन माइनस वन अपौन वन माइनस बहुत स्पीड से करा रहा हूँ आपके खातिर लेकिन मैं इतनी स्पीड से कराता नहीं हूँ क्यों करा रहा हूँ क्योंकि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाए इस वजह से ठीक है क्यों करा रहा हूँ इसका आपका सिलेक्शन हो जाए सात बटीचे लिख देता हूँ बढ़ा देता हूँ नंबर कि आपका सिलेक्शन हो जाए ठीक है देखो यहाँ से देख लीजिएगा और क्या लिखना है आपको सेवन लिख दिया एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है अब यह माइनस का सेवन में से सिक्स वन वन में से सेवन माइनस का सिक्स माइनस का हो जाएगा पीछे वाला घटाएंगे तो माइनस का सेवन हो जाएगा जुड़ के ये पीछे वाला प्लस का हो जाएगा माइनस का है तो प्लस माइनस का वन बचेगा ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस वन अपन माइनस सेवन माइनस से माइनस कटा आपका आंसर आ गया एक बटी साथ ठीक है अब इनके आगे कोई संख्या आ जाए तब आपको क्या करना है ठीक है तब आपको क्या करना है? ये करना है आपको जैसे आपके आगे दो प्लस एक बट्टे तीन प्लस एक बट्टे चार प्लस एक बट्टे दो ठीक है करना क्या ऐसे सवाल में ऐसे सवाल में घबराने जरूरत नहीं है लास्ट में कितना देर का एक और दो तो आप कहेंगे एक और दो वैसे एक बात बताऊं इस तरीके सवाल पहले बहुत आते थे अब जो दे रहा है वो एस एस सी दे रहा है इनको सवालों को तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए ठीक है तो एस एस सी का पैटर्न वो सब उठाएगा क्यों उठाएगा कारण ये है कि टी सी एस पेपर बना रहा है यू पुलिस के का आओ और वो एस एस सी का पैटर्न देगा क्योंकि उसने मैथ का पैटर्न बहुत अलग तरीके से चेंज करके दिया जो ज़्यादातर यूट्यूब पढ़ा रहे हैं उन्हीं के पैटर्न के बेस्ट पर वो दे रहा है तो इस प्रकार के सवाल आने की संभावना है तो आप प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ यहाँ से देख लीजिए एक और दो लिख लिया लिख लिया आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख लिया कोई टेंशन नहीं है यहाँ से कितने हैं एक दो तीन है तो एक दो तीन है पहले पे कितना है चार चार रख लीजिए दूसरे पे कितना है तीन प्लस का तीन रख लीजिए अगले पे कितना है दो दो रख लीजिए प्लस के सब कोई टेंशन नहीं आपको करना क्या कुछ नहीं चार दूनी आठ आठ में एक जोड़ेंगे तो नौ नु। नौती है सत्ताईस सत्ताईस में दो जोड़ेंगे तो उनतीस उनतीस दूनी अट्ठावन अट्ठावन में नौ जोड़ेंगे तो कितना सड़सठ तो ये आ जाएगा सड़सठ बट्टे उनतीस ठीक है एक सवाल और देख लेते हैं घबराना नहीं यार घबराना बिल्कुल नहीं है भाई जैसे दो प्लस एक बट्ठे तीन माइनस एक बट्ठे चार प्लस एक बट्ठे दो माइनस प्लस से कोई टेंशन नहीं लेनी ठीक है सवाल आ जाए घबराना ही नहीं कैसे देख लीजिए ध्यान से एक और दो आ गया एक दो तीन स्टेप करना एक दो तीन ठीक है पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है माइनस ऊपर लिख लीजिए यहाँ पे तीसरे में फिर प्लस है दो आगे वाली संख्याओं को लिख लेना है पर देखो सॉल्व करो चार दुनिया आठ और एक नौ नौती सत्ता है सत्ताईस सत्ताईस में दो गए दो पच्चीस पच्चीस दूनी पचास पचास में से गया एक नौ गया तो इकतालीस ठीक है सॉरी पचास उन्नौ उनसठ प्लस होगा ना पच्चीस दुनी पचास उन्नौ उनसठ तो आ जाएगा फिफ्टी नाइन ट्वेंटी फाइव ठीक है बात आई कि नहीं समझ ऐसे सवाल घुमा सकता है बात आएगी ऐसे सवाल आपको दे सकता है और मैं आपसे बार बार पे कहता हूँ भाई आपको जो क्लासेस मिल रही हैं आज की क्लास पैंतीस मिनट की हुई है ठीक है आज की क्लास में पैंतीस प्लस है अब अगली जो क्लास आएगी वो रेशियो आएगी नंबर सिस्टम ने काफ़ी हद तक चार क्लासों में चार घंटे में बहुत सवाल करा दिए इससे अलग नंबर सिस्टम का सवाल आपका नहीं आएगा घबराने की आपको जरूरत नहीं है कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है टेंशन लेने की कौन सी बुक पढ़े कौन सी ना पढ़ें तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है एक्स्ट्रा जो क्लास आपकी दो या तीन दिन पहले चलेगी उसमें नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें भी प्रैक्टिस सेट में साथ ही साथ कराते हुए चलेंगे तो आपको कुछ नहीं रह जाएगा ये आपकी गार ये हमारी गारंटी है कुछ नहीं रहेगा सब सारा क्लियर होगा डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है लेकिन डिजिटल तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं ठीक है कि नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट रहती है मेरी हमल के वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है लोगों के पास पहुँचाना है जिससे यार हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हम भी तो आगे बढ़ें हम भी तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना चाहते हैं आप लोग को ठीक है नहीं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो